जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज योर मेंटर सी अंकित लहा। फ्रेंड्स, अगर आप अपने आने वाले सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस के लिए परेशान हैं, तो मैं आज आपके साथ में अपने कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने इन परेशानियों से पार पाया था, किस तरीके से मैं अपने आप को मोटिवेट कर पाता था ड्यूरिंग माई सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस। ठीक है, सो अगर आप भी अपने अपकमिंग सीए इंटर एग्जामिनेशंस को लेकर के डरे हुए हैं, तो आप ऐसा क्या एक ट्रिक अपना सकते हैं जिससे आप भी खुद को मोटिवेट कर पाएंगे बिफोर द एग्जामिनेशंस। मुझे ध्यान है कि एग्जामिनेशन से कुछ समय पहले जब मैं जाता था, तो एक बार के लिए डर लगता था। डर इस बात का लगता था कि फेल नहीं हुआ आज तक, अगर फेल हो जाऊंगा तो क्या, आखिर लोग क्या कहेंगे। उसके बाद ऐसे बहुत सारे तरह तरह के सवाल आते थे मन में। लेकिन उस समय मुझे ध्यान है कि एक चीज मैंने सीख रखी थी, मुझे बस खुद से एक चीज कहनी होती थी कि हमने इस दिन के लिए, वो दिन जो एग्जामिनेशन का था, हमने उस दिन के लिए बहुत मेहनत की है और उस दिन को हम डर करके खराब नहीं कर सकते, उस दिन में मैं बेस्ट करके आऊंगा। कई लोग ऐसा करते हैं कि डर के मारे शायद पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन हम अपने आप से बार बार कहते थे कि अंकित, आज के दिन के लिए ही तुम बने हो, यू आर बॉर्न टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आज के दिन के लिए अगर तुमने इतनी मेहनत किया है तो आज तुम अपना बेस्ट करके आओगे। तो आप भी जब निकलना ना उस मैदान में जहां पे आप जाने वाले हो खेलने, जहां पे आप अपने आप को साबित करने वाले हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ निकलना कि आज तो एकदम फोड़ देंगे, आज बढ़िया करके आएंगे। कोई तुमसे अगर एग्जाम वाले दिन पूछे कि अरे लगता है आज तो पेपर फाड़ दोगे, उसे कहना आज पेपर बिल्कुल फाड़ देंगे। कोशिश करना कि आप ऐसे लोगों को पूरी तरीके से अवॉइड ही करें, लेकिन किसी से भी ये मत कहना कि हम डरे हुए हैं, खुद में कॉन्फिडेंट रखना। तो ये कॉन्फिडेंस क्या सर मेरे नंबर बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा। यकीन मानिए, मेरा एक इंसिडेंट है, ऑडिट का एग्जामिनेशन था, मैंने देखा अपना पहला सवाल नहीं आ रहा था, दूसरा सवाल नहीं आ रहा था, तीसरा सवाल नहीं आ रहा था, लगभग शुरुआत के 25 नंबर के सवालों के अंदर में 20 नंबर का सवाल हमको बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। एक बार के लिए डर जरूर लगा, लेकिन फिर लगा कि इस पेपर को मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर उस पेपर को छोड़ दिया, अगर उस पेपर में मैं फेल हो गया तो सारे ही पेपर्स के अंदर में फेल हो जाता, क्या करता। लेकिन कहा कि भाई जितना आता है जरूर से करके आएंगे, लड़ के आएंगे, एक बार लिख करके आएंगे, जितना आ रहा है उतना लिख करके आएंगे, अपना बेस्ट परफॉर्म करके आएंगे, जो पहले आ रहा है उसको पहले सॉल्व करके आएंगे। और इस तरीके से हमने पेपर को पूरा एकदम मन लगा करके सॉल्व किया, जो जो नहीं भी आ रहा था उसमें जितनी चीजें आ रही थी एटलीस्ट उतना लिखा। ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा कर लिया, एग्जेम्पशन नहीं आ गया उसके अंदर में, लेकिन 41 मार्क्स आ गए, 40 अबव इज पासिंग, 41 मार्क्स मेरे आ गए। अगर वही चीज मैं उस दिन वो नहीं लड़ता, अगर उस दिन उतनी मेहनत उस पर नहीं करता, वो हिम्मत नहीं रखता, तो शायद 39 पे आके अटक जाता, 35 पे आके अटक जाता, और वो मेरे लिए एक लाइफ टाइम रिग्रेट रह जाता कि शायद थोड़ी और एफर्ट लगा देता तो हो जाता। तो वो थोड़ा और आपके लिए एक नेक्स्ट स्टेप पर हो सकता है। तो एग्जाम वाले दिन, एग्जाम्स के समय खुद को डीमोटिवेट ना होने दें और कहें खुद से कि हाँ, तुम इस दिन के लिए बने हो, यू आर बॉर्न टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट एंड यू हैव टू परफॉर्म इट। सो जस्ट मेक योरसेल्फ प्रीटी कॉन्फिडेंट, और ये कॉन्फिडेंस आपको आपके एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्प करेगा। उम्मीद है आप मेरी तरह या हमसे भी अच्छा करके आएंगे, और आप सब भी अपना, अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। उस दिन को इमेजिन मत करना जिस दिन तुम फेल हो जाओगे तो क्या, लेकिन उस दिन को इमेजिन करना अगर पास हो गए तो कितने खुश होंगे सब, आप कितने खुश होंगे, हम लोग कितने खुश होंगे, और आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस कितने खुश होंगे। तो उनकी खुशी के लिए थोड़ा और एफर्ट करना बनता है, हार मत मानिएगा। बेस्ट विशेस फ्रॉम टीम एलीसी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।